नमस्कार, आप देख रहे हैं ईबे पर इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अभी अभी सूचना प्राप्त हुई है, ओलीडी थाना क्षेत्र में बैंक ऑफ इंडिया में कुछ अपराधी घुस करके और वहां से पैसे लूट करके ले गए हैं। हम लोग पहुंच गए हैं घटनास्थल पे, पूरी तहकीकात की जा रही है। कितने अपराधी आए थे सर? अभी तक जो यहां के लोग बता रहे हैं उसमें कुल 4 लोग थे और उनके पास हथियार होने की भी बात बताई जा रही है। और यहां आकर के सभी लोगों को एक जगह, जो बैंक के स्टाफ थे उनको एक जगह रख करके और उसके बाद यहां से पैसे ले जाने की बात बताई जा रही है। हम लोग पूरी तहकीकात कर रहे हैं। कितने रकम ले गए हैं? अभी एग्जैक्ट बता नहीं पा रहे हैं, ये लोग एसेस करेंगे, बट लगभग 30-35 लाख के आसपास। फायरिंग भी हुई है क्या सर? नहीं, फायरिंग नहीं हुई। काउंटर तक पहुंच गया था, कैश काउंटर तक क्या वो? हाँ, बैंक में किसी को बंधक वगैरह भी बनाया था सर? क्या बंधक? किसी को नहीं, वहाँ के जो लोग थे उनका मोबाइल रख करके उसके बाद फिर चाबी लेकर आए थे। कैसे? क्या अपने पैर पे आए थे? किस चीज से लोग? क्या कार, बाइक या पैदल? वो क्या? सब डिटेल हम लोग पता कर रहे हैं, अभी तो जस्ट पहुंचे ही हैं, डिटेल पता करना है। सीसीटीवी में कैद हुई है सर? अभी हम लोग देखे नहीं है, देख लेते हैं। तो लग रहा है तोड़फोड़ भी हुई है भैया। जो प्रिलिमिनरी लेवल पे इन्फॉर्मेशन था वो मैंने बता दिया, अब हम लोग को थोड़ा अपना काम करने दीजिए। अभी तुरंत पूछेगा ना, इस स्थिति में नहीं, हम आपको पूरी तरह सर मैंने पैसा लेके उसकी जारी है। मतलब कितने रकम लेके गए हुए? अभी एक ना एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, अभी लगे लड़के लगे कितने की संख्या में आए थे लोग? 4-5 की संख्या, मतलब हम लोग क्या 4 थे बाहर, कितने हमको नहीं पता। और क्या क्या मैंने अभी तक हुआ, तोड़ फोड़ भी हुआ? अभी इस स्थिति में नहीं हम बता पाएंगे, आप विश्वास करिए। टाइम से बैंक खुलता है, हम लोग सब आई रहे, एक जन नोटिस कर रहा था गेट का सामने, तो हम लोग जैसे ही बोला चलिए चलिए बैंक खुला हुआ, जैसे आए लोग 3-4 आदमी थे, सबके पास हथियार था, एक ने कट्टा निकाला, बोला कि आप लोग सब बैठ जाइए, जो भी मोबाइल है आप लोग यहाँ जमा दे दीजिए। तो मोबाइल सबका ले लिया झोला में, मोबाइल बाहर रख दिया, उसके बाद चल गया सब, जाते समय बाहर में फाइल लिया, आवाज सुनाई। वो पैसा उसका भी ले गए? हाँ, सामान तो बोल ही रहा, वो बता सकता बैंक वाले। हम जब आए सर तो आने के साथ ही यहाँ पर एक ब्लू कलर का झोला रखा हुआ था, और ब्लू कलर का झोला में सबका मोबाइल डाल के रखा था, और हम जब आए तो मेरे हाथ से भी मोबाइल छीन लिया, छीन के बोला लाओ इधर मोबाइल लाओ, और लेकर उस बैग में डाल दिया और बोला चुपचाप वहाँ चले जाओ कोना में जाके बैठ जाओ वहाँ शांत होके। तो फिर वहाँ बैठ गए सर। बैठने के बाद में जब जहाँ बैठे तो फिर उधर कट्टर लेके आया, तो कट्टर लेके आया, कट्टर लेके बोला चुपचाप सब कोई बैठो नहीं तो सटा देंगे अभी। और फिर क्या किया, ई वाला मेरा झोला जो है वाइट वाला, ई झोला आपका लिया मेरे से, और लेकर वो आपका ब्लू वाला जो झोला में रखा हुआ था वहाँ से इसमें कन्वर्ट कर दिया वाइट झोला में, और सारा कन्वर्ट करके बाहर चल गया, और जाके बाहर से ताला लगा के बोला अभी बाहर कोई नहीं जाइएगा, और आपका ये सीढ़ी का बगल में ये झोला सबका मोबाइल इसी में रखा हुआ था, लेके चल गया और नीचे जाके एक फायरिंग किया। फिर हम लोग इधर जब तोड़ फोड़ करने लगे सर, तब नीचे से वो फायरिंग किया वहाँ नीचे से, और फिर चल गया बाइक में बैठ। सीबीआई का रेट बढ़ा? हाँ, बोला सीबीआई का रेट बढ़ा। स्नेहा शीनू बागची। बैंक बंद है तो हमने पूछा कि बैंक ओपन है, तो उसने बाहर था तो उसने बोला कि हाँ ओपन है, उसने अंदर घुसा, फिर आते साथ फोन छीन लिया या फिर रख लिया या फिर बैठने को कहा, बैठे नहीं थे तो बोल रहा है कि बैठो, फिर पिस्तौल निकाला वालों, फिर एक गन शायद शूट कर दिया था, उसके बाद बैग अपना फोन का बैग जो था उसमें चेंज करके फिर अपना चल गया था। गोली चला था नीचे, अंदर भी शायद चला था, उतना ध्यान नहीं दिए थे, बाहर एक चला था। हम लोग उधर से आए तो बाहर में एक तो था गेट में खड़ा आदमी, तो मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि खुला है कि नहीं, तो आदमी तो बोल रहा है कि हाँ खुला है जाइए, तो हम लोग आ गए तीनों, फिर मोबाइल यहाँ गेट पे छीन लिया और फिर बोल रहा उधर की बैठ जाइए नहीं तो मार देंगे। कितने लोग थे? थे ज़्यादा उम्र वाला नहीं थे, 4 आदमी। मोबाइल दे दीजिए यहाँ पर जमा हो रहा है, उधर बैठ जाइए सीधा, सिवाई है जाँच हो रहा है। ई पेपर इंडिया में आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए ई पेपर इंडिया।